ठीक है, हेडिंग लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे हमने रजिस्टर की सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ी थी वैसे सेल्स की भी होती है और वो हमको ध्यान रखना है ना। जैसे मान लो दो लगा देते हैं ना एग्जाम के लिए, हमने दो सेल्स लगा लेना, इसका ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका ईएमएफ है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो इसको कंबाइन कर रहे हैं, मान लो ये लोड रेजिस्टेंस है ना, लोड रेजिस्टेंस मतलब पंखा बल्ब जिसके भी अक्रॉस हमें लगा रहे हैं ना, जो भी डिवाइस है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको लोड एक रेजिस्टेंस से दिखा देते हैं। तो इन दोनों बैटरी को हटा के इक्विवेलेंट निकालना है, मुझे एक बैटरी लगानी ना कॉम्बिनेशन, मतलब ये सीरीज में तो दिख ही रहा है क्योंकि जो भी करंट होगा भाई पूरे सर्किट में सेम ही करंट जाएगा, ये तो पक्का है, कोई डिवाइड तो हो नहीं रही है, तो सीरीज में सेम करंट जा रहा है तो दोनों बैटरी सीरीज में है। तो इन दोनों बैटरी को हटा के मुझे क्या करना है, कोई एक बैटरी लगानी है, उसका बताएं ईएमएफ मान लेता हूँ इक्विवेलेंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर इक्विवेलेंट है, तो वो बैटरी का इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए कि ऐसा हो जाए ना। तो लिखो चलो वो तो सीधा कंपेयर करके तुरंत निकल जाएगा, सच दैट यहाँ पर भी तुम्हें सेम करंट मिले। यहाँ पे बताओ आई क्या होगा, तुम्हारा बता सकता है कोई? लाओ किरचॉफ्स लॉ लगाओ, इसमें केवीएल बोलो क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा, आई आर प्लस आई आर टू माइनस ई टू। तो देखो आई को कॉमन ले देते हैं, ई1 ई2 उतर गए, वाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वन प्लस, और देखो इधर पे लगाओगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू ई वाई आर प्लस इक्विवेलेंट वाई आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। कंपेयर करो 1 और 2 को, देखो इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या हो गया E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट क्या हो गया R1 प्लस R2। समझ में आ गया? तो दो बैटरी को सीरीज में लगाएंगे तो सबसे आसान है, रजिस्टर तो हमें पता था सीरीज में होते तो सीधे ऐड हो जाते हैं, ईएमएफ को भी सीधा ऐड कर देंगे। इसे लिखो जल्दी से ना, अगर बहुत सारी बैटरीज होंगी तो हम क्या लिखेंगे बताओ, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बहुत सारी बैटरीज है अगर तो समेशन ईआई, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा स्मॉल आर, लिखो है ना क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन जनरली स्मॉल आर से दिखाते हैं, तो समेशन आरआई, आसान फॉर्मूले याद रहेंगे रजिस्टर है ना। तो ये अपना क्या था, सेल्स इन सीरीज, ये अपना था सेल्स इन सीरीज, लिख लिया तो फिर अपन आगे बढ़े। चलो ठीक है, लिखो सेल्स इन पैरेलल, ठीक है लिखो। अगर मान लो अभी दो से ही स्टार्टिंग करते हैं ना, दो सेल से मान लो, तो E1 है R1 है E2 है R2 है ना, और ये मान लो लोड रेजिस्टेंस है, तो अब इन दो बैटरी को हटा के एक बैटरी लगानी है ये, सच दैट रेजिस्टर से जो भी लोड है तुम्हारा, जो भी डिवाइस है उससे सेम करंट पास करे। तो इससे आई पास कर रहे हैं, मान लो इधर से I1 आ रहा होगा, इधर से I2 आ रहा होगा, कर सकते हो क्या तुम लोग, तो बता दो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट क्या होगा, करो खुद से ट्राई करो। हो गया क्या है बताओ जल्दी, आर इक्विवेलेंट कितना है पहले तो बता दो, 1/R इक्विवेलेंट ना निकाला है कि ऐसी गैस मार रहे हो। चलो देखो गधे ही हो, गधे आ जाओ करते हैं, चलो लगाएंगे फिर किरचॉफ, अरे कितना आसान तो है, लगाए इस पे एक बार, इस पे लगा देते हैं एक बार, इस पे लगा देंगे, चलो छोटे वाले पे लगाते हैं पहले ना, चलो इधर से इधर गए, इधर इधर क्या आएगा, प्लस सी टू माइनस सी टू प्लस सी टू, सिखाया था ना केवीएन, अब इधर इस तरह आ रहा है ना, माइनस ऑफ आई माइनस आई वन आर टू, चलो 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 इसमें आई वन जा रहा है, इधर से आई आएगा, इधर से आई आ रहा है, इधर से आई वन वापिस आएगा ना, तो प्लस आई वन आर वन माइनस ई वन, एक इक्वेशन आ गया ना, और अगली इक्वेशन लिख दो इसमें लिख दो, फिर अपन आई वन को एलिमिनेट कर देंगे ना, तो इसमें से पहले आई वन निकालो तुम्हारा क्या आ रहा है, तो आ रहा है ई टू माइनस ई वन माइनस आई आर टू, और ये प्लस आई वन बन जाएगा ना, तो प्लस आई वन आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू जीरो, देखो यही बन रहा है ये वाली इक्वेशन, तो ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन ही बड़े वाले लूप पे लगा देते हैं, तो चल रहे हैं चल रहे चल रहे चले 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 क्या आया आई आर, चलो 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 फिर क्या आया प्लस आई वन आर वन फिर माइनस ई वन इक्वल टू जीरो, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो हमको आई चाहिए तो एलिमिनेट किसको करना है, आई वन को, तो आई वन की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी आ रही है, आई वन इक्वल टू आ गया तुम्हारा ई माइनस आई आर वाई आर वन, देखो यही आ रहा है क्या, तो देखो चलो आई वन रख दो यहाँ पे, इसको किस में सब्सटीट्यूट कर दो, हाँ पहले वाले में सब्सटीट्यूट कर दो, ये लिखा करो अच्छे अच्छे से हर बार, हाँ बोर्ड में तो लिखना ही है वहां तो सब काट लेते हैं, करो भाई। E2 माइनस E1 माइनस IR2 प्लस I1 को कितना रहा है E माइनस IR बाय R1 R1 प्लस R2 इक्वल टू जीरो, यही आ रहा है ठीक है। अब इसको अरेंज करके I निकालो जल्दी करो, तुम लोग खुद से कोई कैलकुलेशन करते ही नहीं हो, पूरे मेरे से करवाते हो, I निकालो फिर कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे हो जाएगा काम हमारा है ना। चलो फिर I कितना रहा है, चलो निकालो भाई R1 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा E1 माइनस E2 इंटू R1 और
इधर पे आ रहा है तुम्हारा माइनस आई आर वन आर टू, और इधर पे आ रहा है ये अकेला क्यों आ गया, ई क्या है ये, ई वन है ना, ये ई वन है ना ये, तो ठीक है ये आ गया तुम्हारा आई इंटू आर वन आर टू माइनस में प्लस ई वन माइनस आई आर इक्वल टू ये आ गया। तो आई को अपन ले लेते हैं, तो आई अपना अब ई वन को इधर शिफ्ट करो है ना, कुछ तो गड़बड़ हुई है आई के साथ आर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दी एक। अच्छा ये आर वन प्लस आर टू भी तो है ना, इसको छोड़ दिया अपन ने, ठीक है तो इसको ऐसे करो यहाँ पे रखो ई वन माइनस आई आर इंटू ई वन आर वन प्लस ई वन आर टू माइनस आई आर आर वन माइनस आई आर आर टू इक्वल टू ये ऊपर वाला है ना, ठीक है ये पूरा एक इक्वेशन है इधर वाली है ना, और ये अपनी अलग है ना, ठीक है तो क्या आ गया, तो इसमें से आई निकालेंगे तो क्या बचा है तुम्हारा, आई को अपन कॉमन ले ले तो क्या बच रहा है यहाँ पे, आई को कॉमन ले ले तो हमारा माइनस आई को कॉमन ले तो हमारा आ रहा है आर वन आर टू प्लस कैपिटल आर आर वन प्लस आर टू यही आ रहा है, और इस तरफ क्या आ जाएगा इधर ई वन आर वन है, यहाँ पर भी ई वन आर वन है, इसको ऐसे ले सकते हैं ना ई वन आर वन माइनस ई टू आर वन, तो ई वन आर वन से ई वन आर वन गया, और इधर पे ई वन आर टू है ना उसको इधर लेके जाओ क्या बन जाएगा माइनस ऑफ ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन यही आ रहा है ना, माइनस को ब्रैकेट में ले लिया ना, हाँ रुक जाओ अब तुम, अब रुक जाओ बस निकाल रहे अपना होने वाला है, अब इधर की इक्वेशन मिटा रहा है ना ऊपर वाली ये लिख लेना सबने, तो देखो आई कितना आ गया अपना, इस पूरे को आर वन आर टू से डिवाइड कर दो पहले तो है ना, पूरे को आर वन आर टू से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बन रहा है आई इंटू वन प्लस कैपिटल आर आर वन प्लस आर टू बाय आर वन आर टू है ना इक्वल टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू, देखो यही बनेगा, इधर भी आर वन आर टू से डिवाइड कर दिया, इधर भी आर वन आर टू से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आई कितना आ गया देखो, इसको अपन बताएं अपना आर इक्विवेलेंट होता है, मैं मान ले रहा हूँ इसको आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं ना आर वन आर टू बाय आर वन आर प्लस आर टू का ना, तो इसको अपन आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तो आप हाँ और नहीं तो क्या, नहीं क्या कर रहे हो, सही है बिल्कुल सही, रुक जाओ तुम अभी सब हो गया, तो देखो क्या आ गया ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू इक्वल टू डिवाइडेड बाय वन प्लस आर बाय आर इक्विवेलेंट यही आ रहा है, यहाँ पे हमने आर इक्विवेलेंट क्या माना है, और जो हमारा होता था पैरेलल में आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू इसको आर इक्विवेलेंट माना है हमने, ठीक है तो अब आर इक्विवेलेंट को यहाँ पे ले जाओ, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आर प्लस आर इक्विवेलेंट आ गया ये, हाँ ठीक है हो गया, देखो तो I इक्वल टू आ गया हमारा R इक्विवेलेंट इंटू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू इंटू बाय आर कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, ये तुम्हारी पहली और ये दूसरी देखो कंपेयर करो है ना, इससे कंपेयर करो, ये पहली इक्वेशन है ये दूसरी इक्वेशन है ना, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट और कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट दोनों में सेम है हमारा, ठीक है तो इसको कंपेयर कर देते हैं, तो देखो हमारा क्या आ जाएगा E इक्विवेलेंट हमारा क्या निकल के आ गया फ्रॉम वन एंड टू, E इक्विवेलेंट हमारा निकल के आ रहा है R equivalent into E1 by R1 plus E2 by R2, तो E equivalent by R equivalent क्या आ गया हमारा, इसको इसी तरीके से हम याद रखेंगे, ये सबसे आसान तरीका याद रखने का ना E2 by R2, तो ये हमारे दोनों निकल गए देखो, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना अल्टीमेटली बस, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर बहुत सारे पैरेलल सीरीज में हो ये मिटा दो पूरा, R equivalent तो हम बिल्कुल जैसे हम नॉर्मली निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, समेशन वन बाय आर आई पैरेलल में ऐसे ही तो कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, इसको कैसे करेंगे E equivalent को लिखेंगे हम E equivalent by R equivalent equal to summation EI by RI, तो ये सबसे आसान तरीका याद रखने का, इसको इसी तरह से याद रखो, और ये काम आएगा ना, एक तो क्वेश्चन होते हैं सब क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं इस पर, और दूसरा ये कहाँ काम आएगा लिख लेना, विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स RC सर्किट, जो डिफिकल्ट लेवल के RC सर्किट होते हैं वो इससे हमारे आसान हो जाएंगे, हम देखेंगे कैसे करते हैं ना, अब तुम्हारा और क्या वजह था सर्किट सॉल्व करना है ना, तो देखो सर्किट कैसे करते हैं ना, सिमेट्री वगैरह वाले सर्किट देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मिटा दो इसे।